नमस्कार। आज से पूरे 1.5 महीना पहले लगभग 1 जून के आसपास हम लोगों ने अनुमान लगाया था, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दिल्ली में तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ये अनुमान लगाने के लिए कि आज जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसके हिसाब से अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, फिर अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, ताकि उसकी तैयारी की जा सके। तो जो केंद्र सरकार का जो फार्मूला था, उस फार्मूले के हिसाब से हम लोगों ने जून के पहले हफ्ते में अनुमान लगाया था कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो 30 जून को कितने केस हो जाएंगे, 15 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे और 31 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे। और वो अनुमान हमने आप सब लोगों के सामने रखा था। उस अनुमान के मुताबिक 15 जुलाई तक ये अनुमान था कि आज तक 2.25 लाख केस होने का अनुमान था उस फॉर्मूले के हिसाब से। जून में जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, उसके हिसाब से केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आज तक 2.25 लाख केस हो जाने चाहिए थे दिल्ली में टोटल। उसमें से 1,34,000 एक्टिव केसेस होने चाहिए थे और इन एक्टिव केसेस के लिए लगभग 34,000 बेड्स की जरूरत थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार ने मिलके, केंद्र सरकार ने मिलके, सब लोगों ने मिलके जो प्रयास किए, आज अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं, 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। अनुमान था कि 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, लेकिन आज केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। अनुमान था 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। और अनुमान था कि 34,000 अस्पतालों में बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अस्पतालों में, कोविड सेंटर वगैरह में, अस्पतालों में 34,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, आज केवल 4,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ रही है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफ़ी नियंत्रण में नज़र आ रही है आज, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें इसके बारे में ये नहीं होना कि अब सब ठीक हो गया, कभी भी कोरोना बढ़ सकता है, उसकी तैयारी हमें जारी रखनी है। आज हमारी जो स्थिति है इसके लिए, और जो आज स्थिति को हमने पिछले 1.5 महीने रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने ठीक किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों का, उन सब लोगों का जिन लोगों ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे काबू पाने में मदद की, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये केजरीवाल की वजह से नहीं हुआ, ये हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं हुआ, ये जो हो पाया ये हमारे लोगों की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारे नर्सेस की वजह से, हमारे कोरोना वॉरियर्स की वजह से, जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आके काम कर रहे हैं। इस दौरान हमने पिछले 1.5 महीने में 3 सिद्धांतों के ऊपर काम किया है। पहला सिद्धांत, हमने ये महसूस किया और ये निष्कर्ष हमारा निकला कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी महामारी है कि इसको अकेले नहीं जीता जा सकता। अगर दिल्ली सरकार ये सोचती कि इसको हम अकेले जीत लेंगे तो हम फेल हो जाते हैं, इसलिए हमने सबका साथ मांगा,
हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम होटल वालों के पास भी गए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास भी गए, हम बैंक्वेट हॉल वालों के पास भी गए, हम एनजीओज के पास भी गए, हम धार्मिक संगठन वालों के पास भी गए, हम सबके पास गए। तो पहला हमारा सिद्धांत था कि इस लड़ाई को अकेले नहीं जीता जा सकता, और इसमें हमने सभी पार्टियों का साथ लिया। आज मैं सभी पार्टियों का, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरा सिद्धांत हमने अपनाया कि जब चीजें गलत चल रही थी तो हर व्यक्ति कमियां निकाल रहा था, हमने उस पर नाराजगी जाहिर नहीं की, हमने उस पर गुस्सा नहीं किया। जो भी कमी निकाल रहा था, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे कोई उस पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता, कोई भी कहीं से कोई भी हमें गलती बताता था, उसको नोट कर लेते थे और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते थे। यही कारण है जिस LNJP अस्पताल के बारे में पहले जून के पहले हफ्ते के अंदर इतना उसके अंदर नुक्स निकाले जा रहे थे, हमने एक 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 नुक्स नोट किया। जिन जिन पत्रकारों ने स्टोरीज की, मैंने खुद कई पत्रकारों को फोन करके, एडिटर्स को फोन करके पूछा कि आप हमें बताइए कि कहां कमियां और कैसे ठीक करें, और उन कमियों को नोट करके उन कमियों को हमने दूर करने की कोशिश की। मुझे बेहद खुशी है कि जिस LNJP अस्पताल के बारे में इतनी बुराई की जा रही थी, आज उसकी इतनी तारीफ की जा रही है, और ये सारा श्रेय मैं हमारे LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वहाँ के डायरेक्टर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो दूसरा सिद्धांत हमारा था कि हमने कभी भी जो हमारे क्रिटिक्स थे, जो हमारी बुराई कर रहे थे, उनकी बातों का बुरा नहीं माना, और उनसे हम लोगों ने अपने अपनी कमियाँ हम नोट करते गए और उसको ठीक किया। और तीसरी चीज़, हम सब लोगों ने मिलकर हार नहीं मानी। ऐसा कोई पल नहीं आया जब हमें लगा यार अब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हार मान लेते हैं तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाती। हम लगे रहे, हमें यकीन था कि मेहनत अंत पंत में काम आएगी। सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मॉडल की तारीफ की कि दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए बाकी इलाकों में। ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? इसमें सबसे पहली चीज थी, जैसा मैंने बताया, इस दिल्ली मॉडल की बुनियाद है कलेक्टिविटी, टीम वर्क, सबको साथ लेके चलना। तो हम लोग बैठे और हमने पूरी प्लानिंग की कि कहाँ कहाँ क्या क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस प्लानिंग में जहाँ जहाँ हमें लगा कि ये कमी है और ये हमारे पास नहीं है, ये किसके पास है, हम उसके पास गए और उससे मिन्नतें करी और हम मदद लेके आए। जैसे टेस्टिंग कम हो रही थी, हम टेस्टिंग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी थी, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम 10,000 टेस्ट हो सकते थे। हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की, केंद्र सरकार ने हमें एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट दिल्ली के अंदर शुरू किए गए, केंद्र सरकार ने शुरुआती टेस्टिंग किट्स हम लोगों को दी और हमने एकदम से 20,000-22,000 टेस्ट करने चालू कर दिए दिल्ली के अंदर। तो कलेक्टिविटी, टीम वर्क हमारा इस दिल्ली मॉडल का सबसे पहला सिद्धांत था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, होम आइसोलेशन। लोगों के मन में डर था, आज भी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन में डर है कि कोरोना हो गया। एक तो कोरोना का डर है कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या होगा, और दूसरा डर होता है कि कोरोना पॉजिटिव आ गया तो सरकार उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी, सरकार उठा के हमें किसी और सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में कहीं डाल देगी, अस्पताल में डाल देगी। लोगों के मन में ये डर था, क्वारंटाइन सेंटर का डर था, आइसोलेशन सेंटर के डर थे। जब हमने होम आइसोलेशन शुरू किया और होम आइसोलेशन का एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया, हमारी डॉक्टर्स की एक टीम जो होम आइसोलेशन में, सबसे पहले उनके घर जाती है, उनको सारा बता के आती है कि आपको ये एहतियात करना है, इस कमरे में रहना है, ये टॉयलेट है आपका, उनके घर का इंस्पेक्शन करके आती है, मुआयना करके आती है, सारा सिखा के आती है। उनको एक ऑक्सीमीटर दे के आते हैं कि दो दो घंटे में अपनी ऑक्सीजन नापते रहना,
अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जब तक उनका कोरोना ठीक नहीं हो जाता, अगले 10-12 दिन तक रोज़ उन लोगों को फ़ोन जाता है, डॉक्टर्स का फ़ोन जाता है, और वो उनसे पूछते हैं क्या हाल है, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको टेली काउंसलिंग की जाती है होम आइसोलेशन वालों को। इस वजह से लोगों को कोरोना होने के बावजूद भी उनका एक्सपीरियंस, लगभग 80-90% पेशेंट्स होम आइसोलेशन के अंदर आज उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन इतना शानदार तरीके से लागू किया गया कि उसकी चर्चा आज सब जगह चल रही है। इस होम आइसोलेशन का फ़ायदा ये हुआ कि पहले लोग अपना टेस्टिंग कराने से डरते थे, उनको ये लगता था टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आ गया तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे। आज भी मैं जानता हूँ कि कई राज्यों के अंदर इसी वजह से टेस्टिंग नहीं करा रहे, क्योंकि वहाँ होम आइसोलेशन नहीं है। वहाँ पे जो पॉजिटिव आता है, चाहे माइल्ड हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो, उसको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है। तो कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता, कोई जब तक अस्पताल जाने की मजबूरी ना, इतना सीरियस ना हो जाए तब तक कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता। और जब वो टेस्ट नहीं कराता तो वो समाज में घूमता रहता है और 10 और लोगों को कोरोना कर देता है। तो हमने होम आइसोलेशन किया, लोगों का डर खत्म हुआ, इस वजह से लोगों ने खूब टेस्टिंग करवानी चालू कर दी। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं बहुत एग्रेसिव लेवल पे। पहले 5,000 टेस्ट हो रहे थे, अब 20-22,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं, 22,000-23,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। और हम टेस्ट करते हैं, जिसको कोरोना मिलता है उसको आइसोलेट कर देते हैं, जिसको कोरोना मिलता है उसको आइसोलेट कर देते हैं। दिल्ली में मौत के आंकड़े काफ़ी कम हो गए हैं। जून के महीने में 100 से ऊपर मौतें होने लगी थी प्रतिदिन, कुछ दिन ऐसे थे जिसमें 100 से ऊपर मौत हुई थी। अब 30-35 मौत डेली हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक कर रहे हैं और कम करेंगे। लेकिन मौत को कम करने के लिए हमने एक अभियान पूरा उसका प्लानिंग की, और उस प्लान के कंपोनेंट थे, हमने देखा कि मौत क्यों हो रही है। तो देखा सबसे पहले टेस्टिंग है, कई लोगों का टेस्ट टाइम पे नहीं हो पाता, और जब तक टेस्ट होता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो हमने टेस्टिंग अब इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुरंत टेस्ट करवा रहे हैं लोग। दूसरा हमने देखा एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी। शुरू में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी। आज हमने इतनी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है कि किसी को भी अब रिजेक्ट नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। 100% लोगों को, एक एक व्यक्ति जो फोन करता है उसको एम्बुलेंस पहुंचती है। पहले एम्बुलेंस पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे, आज आधे घंटे के अंदर फोन करो और आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। तीसरा हमने देखा कि एम्बुलेंस जब मरीज को अस्पताल लेके जाती है, अस्पताल के बाहर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। एम्बुलेंस में बैठा रहता था मरीज, मीडिया वालों ने कई ऐसी स्टोरीज की कि 3 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस के अंदर बैठा रहा, वहां उसकी मौत हो गई। अब हमने ये इंतजाम कर दिया कि एम्बुलेंस जाएगी सबसे पहले मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाके, एक होल्डिंग एरिया बना दिया हमने, होल्डिंग एरिया में उसको ऑक्सीजन दो, उसके बाद उसके कागज भरो, कागजी कार्रवाई बाद में हो जाएगी। सबसे पहले अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस पहुंचते उसको होल्डिंग एरिया में ले जाया जाता है। फिर हमने बेड्स के इंतजाम किए, जून के महीने में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी। 1 जून को दिल्ली में 4100 बेड थे, आज दिल्ली में 15,500 बेड्स हैं, 4 गुना बेड्स का इंतजाम कर दिया 1 महीने के अंदर। 1 जून को दिल्ली में केवल मात्र 300 आईसीयू थे, आज दिल्ली में 2100 आईसीयू बेड्स हैं, और 2100 में से केवल 1000 भरे हुए हैं, 1100 आईसीयू बेड्स खाली पड़े हैं। तो बहुत मैसिव लेवल पे हमने बेड्स का और आईसीयू बेड्स का एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से आज लोगों को ये भरोसा है कि अगर अस्पताल जाना पड़ा तो बेड्स की कमी नहीं है, आईसीयू की कमी नहीं है। और एक जो प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की, सबसे पहले दिल्ली में प्लाज्मा के ट्रायल्स किए गए, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। उसके बाद अब हमने प्लाज्मा बैंक शुरू किया है, और जिसको प्लाज्मा चाहिए उसको वहाँ से प्लाज्मा मिलता है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक प्लाज्मा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबकी जान बचा लेता है, लेकिन काफ़ी लोगों की जान बचाने में प्लाज्मा मदद करता है। अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा, जून के मुकाबले आज हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग जीत ली गई है, अभी रास्ता बहुत लंबा बाकी है।
कभी भी कोरोना फिर से बढ़ सकता है। हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपनी तैयारियां पूरी रखनी है, हमेशा मास्क पहन के घूमना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, अपने हाथ धोते रहना है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। आज हम बेहतर स्थिति में, ये बेहतर स्थिति बनी रहे, स्थिति ना बिगड़े, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।